हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद द शोक पकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, प्रीवियस जो हमने सेशंस लिए थे प्लस वन की फिजिक्स में, हमने पूरे चैप्टर को क्लोज कर लिया है। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम उसी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो इस सेशन देखते हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज एरर का। क्लियर? तो परसेंटेज एरर का अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं, तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि अगर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी हो, देन डेल एक्स एंड ओवर एक्स का हम रूल लगाते थे, ए एंड डेल बी ओवर बी। जब मुझे परसेंटेज निकालनी थी तब मैं डेल एक्स ओवर एक्स इंटू 100 कर देती थी। यही हम करते थे। अगर यही क्वेश्चन आपका एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, तो उसके हिसाब से हम रूल्स आपको बता रहे हैं। पहला ये आता है फॉर एडिशन के लिए। अगर एडिशन में कुछ टर्म्स और उसका परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना है तो ये रूल उसमें चलेगा, 100 एंड प्लस डेल पी एंड वी इंटू 100। इज दैट क्लियर? अगर यही क्वेश्चन मुझे ऐसे ऐसे पूछा जाता कि एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर सॉरी ए की पावर पी है एंड बी की पावर क्यू है, तब बताइए क्या करेंगे? इन मल्टीप्लीकेशन है, फिर से वैसे लिखेंगे क्या? डेल एक्स एक्स इंटू 100 एंड पी को आगे ले आएंगे, जो पावर उसको रिड्यूस करके आगे ले आएंगे, एंड डेल ए ओवर ए इंटू 100 प्लस क्यू पी डेल बी एंड बी इंटू 100। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अगर इसी की जगह पे जैसे ए का पावर 2 है प्लस बी का पावर 1/2 है, तो आपने इसको करना है कैसे, पावर को आगे रिड्यूस कर देना है, पावर उसकी रिड्यूस करके डायरेक्ट उसका जो है फॉर्मूला लगाना है। ये हमने पिछले जो सेशन पढ़ा था एरर में, उसमें अच्छे से इसको डिस्कस किया था। अब मुझे ये करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। वी नो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसकी क्या रहती है, एक मेजरमेंट रहती है जो हमें किसी चीज की को बारे में बताता है। क्लियर? ए बी सी डी दी है एंड आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू ये है 60% है, -10% है, 10% है, या 3/13% है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अभी मैंने बताया पावर हो गई तो पावर को रिड्यूस करना है। पहले x को लिख लेते हैं, इसका परसेंटेज होगा x एंड इनटू 100 इज इक्वल टू a का पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ पे डेल a ओवर a इनटू 100। सेकेंड है b का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 डेल b ओवर b एंड इनटू 100। उसके बाद है प्लस प्लस, यहाँ पे c का पावर कितना है, 1/3, तो 1/3 एंड डेल c ओवर c इंटू 100। एंड लास्ट में आता है प्लस 3 डेल d एंड d इंटू 100। ये था रूल, ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में आपको बच्चों ये पूरा का पूरा रिजल्ट दे रखा है। आपको गिवन क्या है इसके अंदर, आपको गिवन है डेल a ओवर a इंटू 100। उसने बोला है कि a परसेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, a परसेंट के बराबर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, जैसे कि डेल a ओवर डे इंटू 100 नहीं लिखना, ये तो फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, पावर रिड्यूस करके a परसेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि डेल बी बी इंटू 100 इज इक्वल टू बी परसेंट हो गया, एंड डेल सी ओवर सी इंटू 100 एंड ये सी परसेंट हो गया, डेल डी ओवर डी इंटू 100 ये आपका डी परसेंट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स परसेंट हो गया। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, एक्स परसेंट इज इक्वल टू 2a%, ठीक है, प्लस 1/2 b%,
एंड प्लस 1/3 डेल, सॉरी सी परसेंट, डेल नहीं लगेगा, वो तो हमने चेंज करके सी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस सी एंड 3 × d%, इन विच ए परसेंट इज इक्वल टू कितना है, ए परसेंट मुझे कितना दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है, पुट कर दीजिए इंटू 1, प्लस बी परसेंट मुझे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 1/3 एंड 3 जो सी परसेंट है वो कितना दे रखा है, वो इंटू 3 दे रखा है, उसके बाद 3 × 4 दे रखा है डी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कर लीजिए, ये आएगा 2 × 1 = 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 1 एंड प्लस 12, तो 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, राइट है। कितना एरर आएगा आपका, 16%। अगर आपको इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तब आपने ये डेल ए ये वो कुछ नहीं लिखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने इसको सीधा करना है, 2 × 1% प्लस 1/2 × 2 प्लस 1/3 × 3 एंड प्लस 3 × 4% डायरेक्ट, पावर को रिड्यूस करके उसके परसेंटेज से मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि टाइम बचे आपका, क्लियर। बट आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डिमेंशंस ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड कैन बी फॉर्म्ड आउट सी एंड जी, एंड ये जो दे रखा है आपका ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे जो सी है वो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, सी जो है वो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एंड जो जी है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड ई इज द चार्ज है। समझ में आ गया कि क्या फाइंड आउट करना है, हमने इससे पहले एक प्रीवियस सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज बनाते हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, आपकी वैल्यूज बनाते हैं, तो वह सेम वही करना है बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि वो लेंथ से हम उसको मेजर करते हैं, एल से मेजर करते हैं, अच्छा ठीक है, वो जो लेंथ है वो किस किस के हेल्प से बन रही है, सी से, जी से एंड ई से, मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जी एंड ई स्क्वायर से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में है, स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, अभी सिर्फ ई लिखना है आपने, ई से, क्लियर बात चली पता। इसके अंदर ये जो c है ये आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, जिसका यूनिट रहता है क्या, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे इसके, एल टी माइनस 1, इज दैट क्लियर। एंड यहाँ पे जो g है वो आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ जो डायमेंशंस फॉर्मूले हैं बच्चों आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, डायमेंशनल क्या है, ये कांस्टेंट है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है m−1, l3 एंड t−2, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे जो e है वो क्या है, आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ही होते हैं, कूलम्स उसको मेजर करते हैं, और एम्पियर उसका क्या रहता है, यूनिट रहता है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर बनेगा, तो एम्पियर का जो डिमेंशनल फॉर्मूला रहता है वो रहता है m1 l3 t−2, m1 l3 t−2, यहाँ तक सभी को चीज़ समझ में आ गई, क्या क्या हमको क्वेश्चन में दे रखा था वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अब मुझे इनकी हेल्प से क्या करना है, एक रिलेशन ढूंढना है और ये चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन में वो फिट बैठता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास में इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, एल इज इक्वल टू 1/4 πε0 एज ए कॉन्स्टेंट, सी जी एंड ई, ई को भी आप यहीं पे रख सकते हो, यहाँ पे रखना, वहाँ पे जहाँ मर्जी रखिए, चलिए ई स्क्वायर यहाँ पे लिख देते, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर चलिए यहाँ पे लिख देते, इसमें पहले से क्या है, स्क्वायर, ई स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इनके डिमेंशनल्स के साथ में इसको कंपेयर करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि किसका किसके साथ कैसे रिलेशन बैठेगा। देखिए
एल का डायमेंशन तो एल ही है, इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको साइड पर रख देंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर है। आपने बात किसकी करनी है बच्चों, इसकी करनी है जो कि ऊपर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सी हमने लिया, सी सी की जगह पे था स्पीड ऑफ लाइट और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एल टी माइनस वन एज ए एक्स, ठीक है। मैंने कहा था पहला x में होता है, फिर y में होता है, फिर z में होता है, बस अब उसके डायमेंशनल्स की भी हमने क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है x y z की, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू और इसकी पावर कितनी आएगी बच्चों, y आएगी। इसी के साथ एम्पियर था तो वो आएगा m वन एल थ्री एंड टी माइनस टू और इसका पावर कितना जाएगा, z जाएगा। समझ आ गई बात। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, एल एक्स हो गया, टी माइनस एक्स हो गया, m आपके पास में माइनस वाई हो गया, l आपके पास में थ्री वाई हो गया एंड टी माइनस टू वाई हो गया। यहाँ पे आएगा m z हो गया, l 3 z हो गया और यहाँ पे t माइनस टू जेड हो गया, t माइनस टू जेड हो गया। अब यहाँ पे तो l ही है, इसकी पावर ऊपर 1 है, इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं, कैसे, m के साथ में फिर l के साथ में फिर t के साथ में, m ढूंढिए यहाँ पे, एक m है एक ये m है, तो m माइनस वाई प्लस जेड ये हो गया 1। l का टर्न आएगा तो l होगा x, बेस से पावर एड, एल एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड ये दूसरा हो गया। थर्ड आपके पास में क्या आएगा, टी 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 माइनस एक्स t माइनस टू वाई एंड माइनस टू जेड, ब्रैकेट क्लोज। समझ आ गई बात। m के ऊपर आ गया y माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, टी के ऊपर आ गया यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड, इज दैट क्लियर। और इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो l की पावर कितनी है, 1 है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1 है। अब हमने दोनों तरफ की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है और देखना है कि एक्स वाई जेड किसके इक्वल आते हैं, मतलब उनको इक्वेट करना है। कैसे करना, देखिए L1 है तो इसका मतलब हुआ कि M 0 है, L1 है एंड T भी 0 है, क्योंकि T और M का कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेंथ में सिर्फ आपका L ही रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आता है M माइनस वाई प्लस जेड, यह भी हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे L है X प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, नेक्स्ट में आता है T माइनस एक्स माइनस टू वाई एंड माइनस टू जेड। अब कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है, इस जीरो को m की पावर के साथ, मतलब माइनस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि m के ऊपर जो पावर है वो जीरो है। m का डायमेंशन m के साथ कंपेयर, l के का l के साथ, t का t के साथ, तो l का यहाँ पे है माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड एंड इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। Is that clear? आगे देखिए, माइनस एक्स माइनस टू वाई एंड माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। बस अब आपको क्या करना है, इसी को ही सोल्व करके वन एंड टू थ्री वैल्यूज मान के क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक्स y z, x y z कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं अभी बताती हूँ। बट आपको इसमें बच्चों सीखना ज़्यादा, पता क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको स्टेप कैसे कैसे कौन से इसके बाद क्या क्या करना है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है, क्लियर। अब देखिए x y z निकालना है तो फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड वाई इज इक्वल टू जेड आ गया। ये वाई इज इक्वल टू जेड आपने नंबर टू पे भी पुट करना है, नंबर थ्री पे भी पुट करना है, क्लियर। क्या करोगे आप, वाई इज इक्वल, ये आपको सारा लिखना नहीं है, आपको जब पेपर के टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो आपको तो डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर मे बी बोर्ड के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आ जाता फिर आपको पूरा का पूरा मैंशन लिख करना है, क्लियर। वाई इज इक्वल टू जेड put in equation number 2 and 3, then we get, तब हमें क्या मिलेगा, x plus 3y, z की जगह पे क्या, y plus 3y is equal to 1, then x plus 6y is equal to 1, तो ये एक अलग तरह की equation आ गई है। इसी तरीके से इसके अंदर भी put करना है, then minus x minus 2y minus 2y is equal to 0 and minus x minus 4y is equal to 0। आप ये जो नई equations बन के आई हैं आपने इनको क्या करना है, solve करना है, आपने लिखना है solving नंबर फोर मान लीजिए एंड नंबर फाइव मान लीजिए, ठीक है। सॉल्विंग नंबर फोर एंड फाइव कर दीजिए, क्या आएगा, x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू वन, माइनस एक्स
माइनस फोर वाई एंड इज इक्वल टू जीरो। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, जब भी हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो हमारे जो साइन है वो चेंज होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने प्लस करा या माइनस करा तो साइन चेंज हो गया। जब सॉल्विंग करोगे तब आपने कुछ नहीं करना, जैसे जैसे सिंबल है वैसे वैसे आपने इसको सॉल्व करना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर सेम बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे आएगा टू वाई इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन बाय टू। तो y की वैल्यू यहाँ पे साइड पे लिखते चलना, आपने y निकालिए कितना आया है, 1 बाय 2 आया है। y इज इक्वल टू कितना आया है, 1 बाय 2 आया है। अब किसकी टर्न है, x की टर्न है। x आपका यहाँ से निकल जाएगा, x आपका यहाँ से निकल जाएगा, निकाल लीजिए। x प्लस 6 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, कैंसल आउट हो गए। देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एंड इज इक्वल टू माइनस 2। देन यहाँ पे x कितना आ गया मेरे पास में, माइनस 2। उसके बाद z की टर्न है, तो z में आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो क्या है, z भी 1 बाय 2 के इक्वल ही होगा क्योंकि x जो था, तो यहाँ पे आएगा z भी 1 बाय 2 के इक्वल। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखें इसके आगे क्या करना है हमने। हमने अब x, y, z सारे जो चीज़ें थी वो सब की सब मैंने फाइंड आउट कर ली है, सबकी सब सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा आंसर क्या निकलेगा। देन एल एल इज इक्वल टू 1 पाई 4 पाई एप्सिल नॉट, ठीक है। एल सी का पावर एक्स था, सी का पावर एक्स मीन्स कि सी माइनस 2, जी का पावर वाई था मीन्स 1 बाय 2 एंड ई स्क्वेयर था, ई स्क्वेयर था, और जेड की वैल्यू कितनी थी, 1 बाय 2, यही थी ई की वैल्यू 1 बाय 2 थी। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेना है, क्योंकि ई स्क्वेयर था ना, ई स्क्वेयर के ऊपर आपने जेड लिया है तो उसका वैल्यू इतना आएगा। एल इज इक्वल टू ई टू 1 बाय 2 एंड जी 1 बाय 2 एंड यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी की वैल्यू 2, जो कि ऊपर नेगेटिव थी नीचे आ गई। इन दोनों में आप कॉमन देखोगे तो क्या आ रहा है, एल इज इक्वल टू ई का पावर 2 जी एंड यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी का पावर 2, तो इसमें आप लिख सकते हो 1 बाय 2। आप इसमें से भी कॉमन लेके लिख सकते हो कि पूरा का पूरा पावर आपका 1 बाय 2 है। बाकी इसको भी आप मैच करके लिखोगे तो ये भी आपका आंसर सही है। क्लियर। जो भी आप लिखोगे इसके अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शंस में हमारा आंसर क्या था। तो अब हमारे पास में जो इसका ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा ये देखिए, ये वाला भी नहीं है क्योंकि आपने कहीं नहीं ये आंसर देखा था, आपने आंसर निकाला था बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए आपका जो आंसर आया था वो आया था एल इज इक्वल टू सी माइनस 2 में था, तो वो देखिए नीचे चला गया क्योंकि उसका पावर नीचे था। और यहाँ पे जी भी था, जी की वैल्यू भी थी, जी की वैल्यू कितनी थी, 1 बाय 2 थी एंड ई स्क्वेयर की वैल्यू 1 बाय 2 थी, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो उसका तो कांस्टेंट है, जितनी मर्जी वैल्यू रखिए। तो जिसके हिसाब से हमारा बी जो है वो एक राइट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, 1 बाय c2 एंड ई का पावर 2 था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसका होल पावर 1 बाय 2। इज दैट क्लियर। आपको करना कैसे है उस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब और ज़्यादातर जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने जब आंसर निकाला था तो सी का पावर माइनस 2 था, तो ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो ओवर में था। सी ऑप्शन देखिए, वहाँ पे सी का पावर माइनस 2 निकाला था, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। और वहाँ पे 1 बाय 2 समथिंग भी कुछ था, तो वो भी ऑप्शन गलत है। अब जो ये लास्ट का ऑप्शन है आपका, लास्ट का ऑप्शन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये सेम आ गया आपका। देखिए जी इज इक्वल टू ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जी आपका ओवर में आएगा, जी आपका ओवर में आएगा। क्लियर। तो इसके हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एन एक्स पी वाई एंड आर जेड, वेर एन पी एंड आर आर द कोफिशियंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से सोचते चलना क्या क्या है। सबसे पहले आती है क्रिटिकल वेलोसिटी की बात, वी सी। इसका आपका होगा डायमेंशन एल टी माइनस वन, ये तो हो गया ख़त्म। उसके बाद है आपके पास में, अच्छा, इफ़ द डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एन एक्स, एन ये ईटा कहते हैं इसको, या रो भी कह सकते हैं, रो नहीं कहते, ईटा ही कहते हैं इसको, आर जेड, क्लियर। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना, मतलब कि पिछले जो क्वेश्चन में आपका इक्वल टू लेंथ आ रहा था, इसमें इक्वल टू आपका एल टी माइनस वन के आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे आप, चलिए ओके। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं ना, गिवन लिख ही लेते हैं, एल टी माइनस वन एज ए क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद है ईटा आर द कोफिशियंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द फोर्स एरिया एंड चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये इसका रूल है, क्लियर। एंड उसके बाद आपके पास में आता है क्या, ये जो है रो, रो इज द डेंसिटी, रो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास रहता है केजी में, वॉल्यूम रहता है एल में, तो ये आपका इसका यूनिट क्या बनेगा, एम एल माइनस थ्री, क्लियर, एम एल माइनस थ्री, रो भी हो गया। एंड आर जो है वो एज ए क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की क्या रहती है, हमेशा एल ही रहती है, लेंथ ही होती है, मीट एम तो 4 के जी के लिए जाएगा, टी 4 टाइम के लिए जाएगा, समझ आ गई बात। बट अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसमें आप किस तरीके से यूनिट अपना बना सकते हो। फोर्स रहता है एम एल टी माइनस टू, एरिया एल इंटू एल, क्लियर, एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इसमें आ रही है, चेंज करके आ रही है, तो कैसे आएगा, वॉल्यूम आपका क्या रहता है, वॉल्यूम आपका क्या रहता है, डिस्टेंस एंड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है। अब समझिए कैसे आएगी, हमने इस पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये आपको पता होगा सभी को, ठीक है, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होता है, ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू टाइम, सॉरी डिस्टेंस, हाँ जी, टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टी, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैंने क्या किया, वन बाय टाइम कर दिया, वन बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस, इट मींस कि टी का क्या निकलेगा, ये इनवर्स, समझ आ गई बात, कि ये क्या था आपका, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो मैंने इसको वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम नहीं आता, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, समझ में आ गई बात। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये किसके इक्वल है, रिजल्ट आपका टी के इक्वल है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, तो यहां पे आएगा टी माइनस वन। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि टी माइनस वन कहाँ से निकला है, किस तरीके से मैंने निकाला है। सारी चीजें आ जाने के बाद में आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है, एल क्या है, एम क्या है, एंड एम एल टू टी माइनस टू क्या है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करते हैं। तो हमने क्या क्या निकाला बच्चों, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था। सबसे पहले मैंने निकाली थी आपकी वेलोसिटी, वी सी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन गिवन था, अभी मैंने बताया कैसे निकला। ईटा मेरे पास में निकला था एम एल टी माइनस टू एंड एल टू एंड टी माइनस वन, मैंने अभी बताया कैसे बना था, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो उसको, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन, ठीक है, एम एल एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। अच्छा जी, उसके बाद था आपका डेंसिटी, रो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, एम एल थ्री, ये भी हो गया माइनस थ्री,
माइनस थ्री, उसके बाद था रेडियस, रेडियस आर को हम लिखेंगे एल। अब आप इसका रिलेशन बनाते चलिए, कैसे बनाएंगे देखिए। हमने पढ़ रखा है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो फर्स्टली हमें, हम लोगों को नॉलेज है ना इस चीज़ की, क्या कि वी सी इज इक्वल टू ईटा का पावर एक्स, रो का पावर वाई, एंड रेडियस जो था स्मॉल लेटर आर भी ले सकते हो आप, जेड था, स्मॉल लेटर आर भी ले सकते हो। पहले इसको पुट कर दीजिए, वी सी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन एंड इज इक्वल टू ईटा, मैंने क्या निकाला एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन का पावर कितना बच्चों एक्स आएगा। रो का पावर कितना था एम एल माइनस थ्री, उसका पावर कितना लिया मैंने वाई लिया, और उसी के साथ मैंने लिया लेंथ एल रेडियस जिसका पावर मैंने कितना लिया जेड लिया। आप चलिए फिर से ओपन कर दीजिए इसको, एम एक्स एल माइनस एक्स टी माइनस एक्स एम वाई एल माइनस थ्री वाई एंड एल जेड। चलिए अब एम एक्स प्लस वाई, एम एक्स प्लस वाई ये एक हो गया, इसको लग रख लीजिए। उसके बाद एल माइनस एक्स माइनस थ्री वाई एंड प्लस जेड, ये अलग हो गया। टी आपके पास में अकेला बचता है जो कि है माइनस एक्स के इक्वल। बात समझ में आ गई सभी को कि किस तरीके से हमने इसको अलग अलग करना, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह, बट थोड़ा सा घबराना नहीं है। और इसमें हमको कोई रिलेशन नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला कि आप उसका एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करें। अगेन एम जीरो एल वन एंड टी माइनस वन, तो इक्वल करना है, इक्वेट करना है सामने वाले के साथ में, मैंने समझाया कैसे करना है। तो इसके अंदर जो x प्लस वाई है वो किसके साथ इक्वेट होगा, जीरो के साथ, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया जीरो आ गया। उसके नेक्स्ट में आएगा माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, एल किसके इक्वल था, एल का पावर कितना था वन था, तो इज इक्वल टू वन आएगा। लास्ट था टी माइनस एक्स, ओनली माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो एक्स वाई जेड, करिए फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास में आएगा यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के बराबर है। पहली बात ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन इज इक्वल टू माइनस वाई, देन वाई इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, टू निकल गए। आप पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में ताकि मुझे जेड का भी पता चल जाए, माइनस वन माइनस 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 प्लस थ्री एंड प्लस जेड इज इक्वल टू वन, तो ये बन जाएगा टू प्लस जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास में आंसर क्या आया, वन माइनस वन माइनस वन, क्या आंसर आया हमारे पास में, वन माइनस वन एंड माइनस वन। यहाँ पे जो सी जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, क्योंकि इसमें एक्स मेरा वन आया था, वाई माइनस वन आया था एंड जेड मेरे पास में माइनस वन ही आया था। समझ आ गई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इत्मीनान से बैठना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, अगर आप पढ़ लोगे ढंग से तो कुछ ना कुछ बन ही जाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हमें सब कुछ एकदम से जल्दी जल्दी आ जाए तो वो बात नहीं होगी। अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, तब भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप अभी अभी प्लस वन की क्लास में बैठे हो, अभी आपने सिर्फ शुरू करा है पढ़ना, और ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों आपके एग्जाम के लिए भी अच्छे रहेंगे, मतलब आपकी आगे की स्टडी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ ध्यान से बैठ के इसको देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर, तब आपके मास के क्या रहेंगे, यूनिट क्या रहेंगे, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। हमें अच्छे से पता है कि जो फोर्स का जो यूनिट रहता है वो रहता है एम एल एंड टी माइनस टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि टी माइनस में, तो उसको नीचे लिख के आ सकते हैं टी माइनस टू, ठीक है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम टी एंड इंटू एल टी, ठीक है। अब यहाँ पे L जो होगा वो आपका डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, तो यहाँ पे हम V लिख सकते हैं, एम टी एंड V,
ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मास करना है, बाकी को मैं इस तरफ लेके आ सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, एफ इंटू टी एंड बी इसके ओवर में एंड इज इक्वल टू एम, तो एफ टी वी माइनस वन इज इक्वल टू एम, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ए ऑप्शन राइट हुआ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और प्रैक्टिस की जरूरत है कि कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्लियर, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें। हमको पूछा गया है कि अगर ये ऐसे फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स मींस क्या, आपका एल है, एम है, टी है, उस तरीके से हमको दे रखे हैं, तो अब मास का बनाइए, तो मास का क्या बन जाएगा, एफ टी वी माइनस वन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन जो अभी हमने करा था आपका सेम वही आ गया है, आसानी से कर लोगे, रूल मैंने बता रखा है, थोड़ा सा सोचिए आप भी कैसे इसको कर सकते हैं, हम भी सोचते हैं। क्या करना है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, चार क्वांटिटी का, ए बी सी डी का, जो कि ये है, एंड परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4%, क्लियर, एंड कैलकुलेट द पी, पी का आपने क्या निकालना है कि कितना उस पे परसेंटेज एरर आता है। तो मैंने बताया था कि डेल पी ओवर पी इंटू 100 को मैं पी परसेंट लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, ठीक है, तो बस इसी फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है। डेल पी ओवर पी इंटू 100 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस करेंगे, देन डेल ए ओवर ए इंटू 100 एंड बी का पावर 2, तो 2 का पावर आगे, 2 आगे आके वी और वी इंटू 100 एंड प्लस सी के ऊपर कोई पावर नहीं, तो सी सीधा रहेगा डेल सी ओवर इंटू 100। अगेन डी के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 को आगे कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां पे आएगा डेल डी एंड ओवर डी इंटू 100, क्लियर, तो ये बन जाएगा 3, ये पूरा का पूरा ए परसेंट हो बन गया, ये पूरा का पूरा बी परसेंट बन गया, ये पूरा का पूरा आपका सी परसेंट बन गया, और ये आपका डी परसेंट बन गया, जो कि पी परसेंट के क्या है, इक्वल है। अब 3 इंटू ए परसेंट मुझे कितना दे रखा है, इंटू 1 दे रखा है, अच्छा जी 2 बी परसेंट मुझे कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख दीजिए, उसके बाद सी परसेंट मुझे 3 दे रखा है एंड प्लस डी मुझे 4% दे रखा है एंड इज इक्वल टू पी परसेंट आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 + 4 + 7, 3 7, तो 7 7 आपके पास में कितना एरर आ रहा है, 40%, 14% का एरर आ रहा है, तो 14 जो है वो आपका ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मीनिंग क्या है कि एफ कोई फोर्स है और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में है वो, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो बहुत इजी है ये, पहले क्या करते हैं इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लिख लेते हैं, चलिए अब ये जो के है इसका मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है, तो पहले फोर्स पे चलते, फोर्स क्या रहता है आपका, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एम की जगह पे के जी, एल की जगह पे मीटर और सेकेंड, तो ये इसका बच्चों यूनिट हुआ, ठीक है। अब हमारे पास में के ऐसे क्या था कांस्टेंट, इसी का मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, देन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड ओवर मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू के, देन मीटर से मीटर कैंसल आउट हो गया, देन के जी यहाँ पे क्या आएगा ऊपर चला जाएगा, देन पर सेकेंड इज इक्वल टू आपका कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का जो यूनिट आएगा वो किलोग्राम पर सेकेंड होगा, सिंपल था, सिंपल था ना, बट आपने कोशिश ये करनी है कि कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनके डोमेंशनल फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में लर्न करने, वैसे तो चैप्टर मैंने बताया था आपको शुरू में कि लर्न करने का ये मीनिंग है कि आप उसको रट्टा मार रहे हो, पर जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे करते चलेंगे आपको खुद वो लर्न होते चलेंगे, बट फॉर द न्यूमेरिकल के केस में आपने अच्छे से उसको रख रखना है अपने दिमाग में, क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी आगे काफ़ी है पढ़ने वाला जो कि आपको आराम से घर बैठ के पढ़ने में मिलेगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।